नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस धारावाहिक यादें बचपन की में हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी हस्तियों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत से सफलता हासिल की और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। प्यारे दोस्तों, हम सब भी जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर सफल होने की किताबें पढ़ते हैं और वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, यहां तक कि अपनी स्टडी टेबल के ऊपर कुछ मोटिवेशनल कोट्स को लगाते हैं। तो इन पर्सनालिटीज से आपकी जो मुलाकात होने जा रही है वो अपने आप में ही एक वर्कशॉप है, क्योंकि हमारी ये पर्सनालिटीज, ये हस्तियां अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इन हस्तियों के बारे में हम जानेंगे खुद उन्हीं की जुबानी कि कैसे उन्होंने प्रतिकूल वातावरण में भी हिम्मत ना हारते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल को पाया है। इसके लिए हमारे गेस्ट को जाना पड़ेगा उसकी बचपन की यादों में, जवानी के लम्हों में और उन लम्हों में जब उन्होंने जंग की। तो दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम की हमारी पहली मेहमान एक महिला हैं जिनके जीवन पर, जिनकी कार्यशैली पर, जिनकी ईमानदारी पर बहुत सी हिंदी फिल्में बन चुकी हैं और उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आपके मन में बहुत से विचार आ रहे होंगे, बहुत से नाम आ रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी महिला है। चलिए मैं आपको एक क्यू देता हूं कि वो एक IPS ऑफिसर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन है वो महिला? बिल्कुल ठीक कहा आपने, डॉक्टर किरण बेदी ही हमारी गेस्ट हैं आज की। इससे पहले कि मैं उन्हें यहां मंच पर बुलाऊं, आइए एक नजर डालते हैं उनके कार्य पर, उनके जीवन के कुछ पलों पर, उनकी अचीवमेंट। इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे पुरस्कार, इतनी अचीवमेंट्स, ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। बहुत कष्ट झेलने पड़े होंगे, बहुत प्रयास किए होंगे डॉक्टर किरण बेदी ने। तो सुनते हैं कि क्या कीमत चुकाई उन्होंने इन अचीवमेंट्स के लिए। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में यादें बचपन की। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि जो जितनी मेहनत और लगन से आपने इस मुकाम को हासिल किया है और भारतीय नारी को गौरवान्वित भी किया है, उसके लिए आप यकीनन बधाई की पात्र हैं। क्योंकि हमारा प्रोग्राम है यादें बचपन की, तो सबसे पहले आपके बचपन की वो याद जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मैं छोटे होते अपने माँ बाप के समय, अपना उनके पैसों की बड़ी कदर करती थी। okay. और पहले तो कभी उनसे कुछ देते थे तो भी नहीं लेती थी। mm-hmm. मैं बड़ी कदर करती थी कि मैं सोचती थी कि हर चीज़ बड़ी मेहनत से मेरे माँ बाप कमा रहे हैं, इसलिए मैं एक भी पैसा उनका वेस्ट ना होने दूँ। लेकिन मेरा स्कूल बड़ा दूर था। okay. तो हम लोग हमेशा आधा डिस्टेंस भाग के जाते थे, फिर बस पकड़ते थे, क्योंकि उसके पैसे थोड़े लगते थे, 7 पैसे टिकट के लिए। तो वो मेरी मम्मी मुझे वो थोड़े से पैसे जो देते थे बस के लिए, मैं वो भी
सेव करती. सो मैं कंजूसी नहीं करती थी, इट वॉज लाइक सेविंग एंड रिस्पेक्टिंग माई मदर्स. तो मैं पहले तो आधा डिस्टेंस हमेशा भाग के जाती थी, विच वॉज अबाउट 3-4 किलोमीटर्स भागना, दैट मीन्स जॉगिंग करके स्कूल जाना. फिर आधे स्टैंड के बाद बस स्टैंड होता था, तो मैं बस से चढ़ती थी, हमको आधी टिकट लगती थी, क्योंकि हम छोटी उम्र के थे. लेकिन जब वापस आते थे तब मैं बहुत फ्रेंड्स बनाती थी, किसी ना किसी के टोंगे में चढ़ के आती टोंगे में चढ़ के आती. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पैसा जो बचता जाता था उसका फिर मैं चूरन खाती थी. मुझे अनार दाने वाला चूरन बहुत अच्छा लगता था, अब नहीं खाती. सो ये नहीं मतलब मुझे अब देने लग जाऊं, लेकिन तब बचपन में पैसा भी बचाना, कदर भी करना, दूसरे से दोस्ती भी बनाना, और फिर उसका फायदा भी, पैसे का मजा भी लेना, फिजिकली फिट रहना, और फिजिकली भी फिट रहना. वो मुझे नहीं पता उसका फायदा कितना हो रहा है, लेकिन मेहनत भी, एंटरटेनमेंट भी, फ्रेंडशिप भी, और मम्मी भी जानते थे कि मैं चूरन खा के आऊंगी. इंटरेस्टिंग, वेरी. और वो चूरन जिसमें पटाखा बजता था. अच्छा, एक बात है कि आपने मेहनत तो यकीनन बहुत की है, अब स्कूल पहुंचे नहीं और उससे पहले मेहनत शुरू, मतलब भागना दौड़ना है और पैसे की कदर करना, मेहनत भी की, साथ में आप आगे बढ़ी, खेल भी था, फिर आपकी हॉबीज भी थी कि पेंटिंग भी करती थी. हाँ, हाँ? करती थी. तो टाइम मैनेजमेंट कैसा कैसे करती थी आप, कैसा होता था, मतलब कुछ टिप्स, इनको भी मालूम चलेगा, हमारे व्यूअर्स को भी मालूम चलेगा. नहीं, जो एक चीज थी, एज अ स्टूडेंट के समय, स्टूडेंट टाइम इज स्टूडेंट टाइम, उसमें कोई डाइवर्शन नहीं. अगर पढ़ाई टाइम है तो पढ़ाई टाइम, राइट. सो इसलिए, और पढ़ाई का टाइम मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, उसमें कोई चिड़िया भी नहीं आएगी, इट्स लाइक दैट. सो इसलिए जो अचीव करना, और फिर टाइम टेबल, मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है तो मजाल है, नहीं करूँ मैं करूँगी, उसकी भी 6 बारी रिविजन करूँगी, उसकी टीचर बन जाऊँगी, अपने टीचर, और अपना इम्तिहान लूँगी. सो आई वॉज वेरी फोकस्ड कि अगर मुझे आज का टाइम टेबल में मैंने ये चैप्टर 2 पढ़ने हैं तो वो मैंने पढ़ने हैं, नथिंग एल्स. कोई डाइवर्शन नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई शादी का फंक्शन नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई चाट नहीं, कुछ नहीं, इट हैज़ टू बी डन. सो इसलिए इतना फोकस थी कि हर चीज़ फिर बॉक्स हो रही थी और वो अचीव हो जाती थी. सो इसलिए मेरी कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी गुड. जो मैं कर रही हूँ वो एक तो थोड़े टाइम में करती थी, क्वालिटी से करती थी और हासिल करती थी. सो एक हैबिट बन चुकी थी, अगर खेल रही हूँ तो खेल रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ. सो जिस चीज़ में मैं हूँ मैं उसी में ही हूँ, उस दूसरी चीज में नहीं. That was the way it was. तो दिन शुरू होने से पहले आप वो अपना बना लेते थे पूरा कि थैंक्स टू डू या प्रोग्राम, मेरे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा करना है आज. दिन तो शुरू होता था फिटनेस से, क्योंकि टेनिस खेलती थी तो मुझे 3-4 किलोमीटर भागना ही है, तो आई टू डू जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता गया. लेकिन स्कूल में तो मैं आपको बता रही हूँ भाग के जाती थी, लेकिन और कभी फिर बड़ी होगी तो साइकिलिंग करने लग गई. सो 25-30 किलोमीटर रोज साइकिलिंग ही करती थी. सो व्हेन आई बिकेम बिग तो मेरे मामा ही ने मुझे साइकिल ले दिया, तो मैं बल्कि अपनी बहन को भी पीछे बढ़ा के ले जाती थी, और फिर पुल भी अगर आते थे तो मैं उतरती नहीं थी, पुल भी साइकिल से चढ़ती थी, अगर वो धक्का लगाती थी या नहीं. सो इट वाज सो मच एनर्जी, लेकिन जो भी कर रही थी उसमें मेहनत और उसमें कॉन्सेंट्रेशन. सो अगर पढ़ाई है तो चैप्टर आइडेंटिफाइड थे, और अगर खेलना है तो आज किसको हराना है मैंने, मैंने किसको हराने से मुझे कल हराया, आज मैंने कैसे इसको हराना है. सो इट वाज लाइक दैट. बहुत शुरू से बहुत हिम्मत है आपकी पुस्तक. और फिर मम्मी को भी हेल्प करती थी, क्योंकि अगर मम्मी की हेल्प करते थे हम लोग घर में, मैं और मेरी बहन उठ के, कि घर अपना कमरा साफ करके जाना, ठीक कपड़े संभाल के जाने, रात को अगर आना तो अपने कपड़े प्रेस करने. सो इट वॉज ये नहीं कि कुछ ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, इट वॉज लाइक ऑल राउंडेड. घर की सफाई भी करनी है, अब मम्मी की हेल्प भी करनी है, पढ़ना भी है, खेलना भी है. सो इट वॉज लाइक सब कुछ तरफ, मेरे लिए कोई ऊंच नीच बात नहीं थी, इट वॉज लव, सब कुछ लव और इज्जत, समझे कुछ. हाँ, मतलब आज के लाइफस्टाइल जो बदल चुका है काफी, अभी टीवी चैनल्स बहुत आ गए, लुक्रेटिव थिंग्स हैं, आसपास जो कुछ हो रहा है, मोबाइल फोन है और कुछ नहीं, SMS ही कर रहे हैं. कुछ टिप्स इन लोगों के लिए, आज के यूथ के लिए आप दीजिए, कि एक तो फोकस्ड होना चाहिए, ये समझ में आया, एक फिजिकली फिटनेस की बात भी समझ में आती है, थिंग्स टू डू वाला भी समझ में आता है. इसी मेरे जिंदगी में छोटे होते मैं बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे क्या बनना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ जीवन में अपने पाँव पर चढ़ के कुछ बनना है, और ऐसी जगह बनना है जो मैं किसी, हमेशा जिंदगी में किसी के काम आती रहूं, मेरे पास ताकत हो दूसरों के काम आने की. ताकत ये नहीं मैं ताकत जमाऊं और हिटलर बनूं और दूसरे को तंग करूं, नॉट लाइक दैट. इट वॉज बिनाइन पावर. सो मेरे मन में बिनाइन पावर जरूर थी कि मैं
कुछ बनूं और हासिल करके बनूं, यानी मुझे कोई गिफ्ट मिल जाए. इट वॉज नॉट एज अ गिफ्ट. मैं गिफ्ट लेती नहीं थी. आई वॉज नॉट गिफ्ट ओरिएंटेड. मुझे आगे दे दिया, बड़ा मजा आया. नो, मुझे जो अगर कोई देता था कुछ, मैं उसी वक्त दूसरे को दे देती थी. मुझे मुफ्त कुछ नहीं चाहिए था. मैं हर चीज कमाना चाहती थी, मेहनत से, ईमानदारी से, सो उस लगन से. और मैं जो चीज डिजर्व करती थी वो ही मैं लेना चाहती थी, दूसरी चीज नहीं. कोई चीज चीटिंग से नहीं. अगर मैं एक चीज डिजर्व नहीं करती, मुझे नहीं लेनी. मैं जो डिजर्व करती हूँ मुझे वो लेनी है. मुझे कोई मजा ले ना मिले. सो ये एक ईमानदारी की कि मेहनत से ही कमाना है और फिर उसमें बांट के खाना. ये नहीं कि मेरे लिए, मेरी बहन और मैं और अपने फ्रेंड्स हम शेयर करते थे. सो एक शेयरिंग भी एक स्पिरिट आ चुकी. दैट मीन सेल्फिशनेस नहीं थी. लेकिन कुछ बनना है जिसके पास जब, और वो बनना किस से, किस चीज का आधार क्या था? मेहनत. इट वॉज मेहनत एंड डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन. और मेरे पास भी अट्रैक्शन थी, डाइवर्शन थी. जब मैं टेनिस खेलती थी तो रोज पार्टीज होती थी. ये नहीं कि पार्टीज आजकल ही होती हैं. मेरे टाइम पर भी बहुत इवनिंग डांस पार्टीज होती थी. क्लिफ रिचर्ड मेरा फेवरेट सिंगर था. क्लिफ रिचर्ड थे, बाबरा स्ट्राइसन थे. बड़ा म्यूजिक था, डांस थी, लिकर भी थी. टेनिस प्लेयर्स रात को बियर भी पीते थे, सब कुछ करते थे. लेकिन मैं नहीं शामिल होती थी. मुझे पता था ये मेरे लिए नहीं है इस वक्त. ये समय नहीं है इसके लिए. ये नहीं कि गंदा है या अच्छा है. मैं जजमेंट पर नहीं थी. मैं ये थी, ये मेरे लिए नहीं है, ये समय नहीं है. जब मैं कुछ चाहूंगी ये तो बड़ियों के ले लो. लेकिन ये समय इसके लिए नहीं है. समय सोने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे भागना है. मुझे सुबह एनर्जी, मेरा कल मैच है, मुझे पढ़ना है. सो आई वॉज वेरी क्लियर. मेरी सारी फ्रेंड्स जाती थी लेकिन मैं सोई होती थी. सो आई वॉज स्लीपिंग अर्ली टू गेट अप अर्ली. दे वर स्लीपिंग लेट एंड दे वर गेटिंग अप लेट. ना वो पढ़े और वो जो फिर टेनिस प्लेयर रह गए. लेकिन टेनिस प्लेयर भी आप 22 साल, 24 साल, 25 साल तक मैक्सिमम जीत लोगे. उसके बाद क्या करोगे आप? इसलिए मैं मैचेस भी जीतती गई और पढ़ाई में भी स्कॉलरशिप लेती गई, क्योंकि मैं रात को समय से ये चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करती थी. मेरा मतलब, मेरी आई थिंक क्वालिटी ये थी, जिस चीज़ का समय मैं वो करती थी. ये पार्टी समय नहीं है, मैं नहीं जाती थी. ये पढ़ाई का समय, मैं पढ़ाई करती थी. तो ये नहीं होता था हाय मैं अपने आप को बेचारी बोलूं. मुझे ना कोई बेचारी बोलता था, ना ही एंटी सोशल बोलता. मेरी फ्रेंड्स भी थी लेकिन मैं फ्रेंड्स पर डिपेंडेंट नहीं थी. मैं अपने पर डिपेंडेंट थी. बल्कि मुझे लगता है एडमायर करते होंगे आपको कि हाँ, जो इनसाइड वो जरूर होते थे. इनसाइड में होते थे कि काश हम भी इसके जैसे डिसिप्लिन हो जाए. लेकिन होते नहीं. तो उनको होता था लालच, बॉयफ्रेंड भी बनाए, गर्लफ्रेंड भी बनाए. मेरे बॉयफ्रेंड भी थे, गर्लफ्रेंड्स भी थे, लेकिन ऐसे नहीं थे मैं चिपकोर हूँ, चिपको ही रहूँ उनसे, कि उनके बिना मेरा गुजारा नहीं है. अब जाओ, फ्रेंडशिप फिनिश. अब मुझे पढ़ना है, अब खेलना है, अब जाना है, मजा करना है, लेकिन मजा खत्म, आउट. सो हर चीज का कुछ समय था. दैट वाज द की. अच्छा, एक बात जो आपने कहा कि मैं शुरू से कुछ बनना चाहती थी, ये विचार कहा जाता है कि कोई एक सेंटेंस होता है, कोई टीचर होता है या कोई ऐसी शख्सियत होती है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, फिर आपको लगता है कि आपको कुछ बनना. ये अपने आप से आया या किसी वाक्य ने, किसी हादसे ने, कोई ऐसा वाक्य हो गया कि मन में आया कि अब मुझे ही कुछ करना, ऐसा कुछ हुआ? हमारे जीवन में देखा, हम जब बच्चे होते हैं, हमारे सबके संस्कार होते हैं. हम सब किसी ना किसी चीज़ पर आकर्षित होते हैं. हमारे संस्कार होते हैं. कोई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, कोई म्यूजिक ओरिएंटेड है, कोई बुक ओरिएंटेड है, कोई आर्ट ओरिएंटेड है, कोई बड़ा लेजी है, सोने में ओरिएंटेड है ना, और कोई हर एक की ओरिएंटेशन है. मेरी भी ओरिएंटेशन थी, लेकिन ये ओरिएंटेशन मेरे माँ बाप ने खूब जगाई. एक वातावरण मेहनत का बनाया, गेम्स का बनाया, पढ़ाई का बनाया. ओरिएंटेशन प्लस वातावरण, आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स यू. ओरिएंटेशन अगर आपकी लेजी है तो बड़ी मेहनत लगेगी बदलने में, और अगर ओरिएंटेशन आपकी ऑलरेडी डिसिप्लिन की है तो फिर आपको वातावरण सही मिल जाए तो आप बड़ी जगल. इट्स लाइक सही बीज, सही सॉयल, सही रेन, सही हवा, तो पेड़ बड़ी जल्दी उगता है. लेकिन अगर गलत बीज, गलत सॉयल, गलत हवा, फिर उसकी परवरिश नहीं, मान लो सब कुछ ठीक भी है. सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ. इट वाज बोथ वेज. मेरी ओरिएंटेशन भी थी, मेरे माँ बाप ने भी मुझे उस वक्त वातावरण दिया. स्कूल में मुझे एडमिरेशन बड़ी मिली, क्योंकि मैं इनाम लेने गई, लगी बड़ी तालियां बजे. सो जितनी तालियां बजे उतनी ऑक्सीजन मिले. सो जितने मेरा इनाम मिले उतनी तालियां, तालियां ऑक्सीजन, इनाम इनाम तालियां. सो इट बिकेम टू वे. सो एक दूसरे को सींच रहे थे चीज.
मुझे नहीं मालूम था छोटे होते कि ये बड़ी ज़रूरी है चीज़, लेकिन बड़ी खुशी होती ना जब इनाम मिलता है, माँ बाप शाबाश बोलते हैं, देखते मेरी कितनी प्यारी बेटी. सो हर टाइम इनकरेजमेंट से वो बढ़ता गया. सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड. एक बनने की कि एक लक्ष्य आता गया कि जब ये है मेहनत का फल तो मैं क्यों इसे हटूं. और मेरे माँ बाप को इतनी खुशी जब दे रहा है तो मैं ऐसी चीज़ क्यों करूँ जो मेरे माँ बाप को खुशी ना दे. सो मेरे लिए मेरा लक्ष्य मेरे माँ बाप की खुशी था. मेरी माँ और बाप खुश हैं, गर्व करते हैं, मैं फिर सही रास्ते पे. मैं उनका कहना बहुत मानती थी क्योंकि मुझे पता था मेरे माँ बाप मुझे सही रास्ते पे ले जा रहे हैं. सो और मुझे ही तो फल मिलेगा इसका. और वही हुआ आज. माँ बाप तो चले जाते हैं लेकिन फल छोड़ जाते हैं. सी वो फल फिर ऐसा आपको सिखा जाते हैं कि फल आपके लिए नहीं होता, वो फल बांटते रहते हैं. सो कितनी सुंदर चीज़ माँ बाप दे जाते हैं, खुद चले जाते हैं लेकिन सब कुछ दे जाते हैं. बिल्कुल. लेकिन आजकल भी मैं देखता हूँ माँ बाप तो हमेशा ही मतलब अपने बच्चों को अपनी जो सामर्थ्य है उससे ज़्यादा अच्छे स्कूल में डालते हैं सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ कमी रह जाती है माहौल देने में या समय देने में या वक्त देने में. जो ग्रूमिंग है घर पर वैसा नहीं हो पाता शायद. नहीं, गलत बात है. माँ बाप जो भी देते हैं उसका धन्यवाद हम कर भूल जाते हैं. धन्यवाद भूल जाते हैं. मेरी माँ भी रोज शाम को, मेरे मम्मी डैडी रोज शाम को टेनिस में खेलने जाते थे, क्लब जाते थे. मैं नहीं जाती थी, मेरी माँ सारा दिन मेरे पास ही बैठी रहे. मैं बहुत खुश होती थी मेरी मम्मी डैडी के साथ क्लब गई और मेरी मम्मी भी बैडमिंटन खेल रहे हैं, पापा चेस खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, शाम को 10 बजे आ रहे हैं. हम तब तक होमवर्क करके सो गए. लेकिन ये तो नहीं कहते थे मम्मी आप क्यों जाते रोज शाम को. हमारे मन में धन्यवाद था कि जो हमारे माँ बाप हमको दे रहे हैं हम उनका धन्यवाद करते थे. मेरे मन में उनकी तरफ धन्यवाद थी. थोड़ा दे रहे तो भी धन्यवाद, ज्यादा दे रहे तो भी धन्यवाद. उनकी कुर्बानी जो भी हमको दे रहे हैं उसकी बहुत कदर थी, उसकी इज्जत थी. सो इसलिए ये नहीं देख रहे कितना दिया जी आपने, आपको तो ड्यूटी है आपको देना. नो. अच्छा एक बात बताएं कि क्या कुछ मुश्किल पल भी थे आपके बचपन में? जैसे आदमी होता है ना, या तो मुश्किल पलों को एंजॉय करता है या भूल जाना चाहता है. आप कहीं फंस गए, कुछ हुआ, ट्रैकिंग टूर पे गए, आप कहीं अटक जाते हैं और उसके बाद जब निकल के आते हैं तो हम उस बात को बार बार दोहराते हैं कि एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, ये स्केसिटी थी या ये कमी थी. आज उसको एंजॉय भी कर सकते हैं हम. और कुछ ऐसा कुछ बचपन में ऐसा कुछ मेरे जीवन में मेहनत क्योंकि आधार था और अचीवमेंट और कॉम्पिटिशन जुड़ा रहता था तो कई बार ये मेरे साथ भी अन्याय होता था. मुझे डिनाइल भी होती थी, मेरे साथ चीटिंग भी होती थी, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर भी होता था. कोई किसी जान पहचान वाले को भी फेवर मिलती थी, ये सब कुछ मैं देखती थी. कोई किसी की सिफारिश भी लगती थी और मैं रह जाती थी. किसी के पास पैसा खर्च किसी को देने के लिए होता था, उसको टर्न मिल जाती थी, मुझे रह जा. मैं सब कुछ देखती थी लेकिन इसके लिए मैं कई बार रोकर घर भी आती थी और मम्मी डैडी को आकर बताती थी कि देखो पापा आज मुझे कोच ने ये किया, आज मुझे ये इन्होंने हेड गर्ल नहीं बनाया क्योंकि वह उसकी फेवरेटिज्म हुई. लेकिन बात क्योंकि हम लोग आकर घर में बात करते थे और अपनी बात कहते थे तो हमको उस वक्त गाइडेंस मिलती थी कि इसको डील कैसे करना है, इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे आपने अपनी एक एटीट्यूड टू विक्ट्री बनाना है बनिस्पत के गिव अप करना है. सो गिविंग अप नहीं सिखाया जाता था. गिविंग अप नहीं सिखाया जाता था, सिखाया यह जाता था फाइट बैक, फाइट फॉर जस्टिस. दूसरे का हक छीनने के लिए नहीं लड़ो, अपना हक अर्न करने के लिए. तो हम दूसरे का हक नहीं मांगते थे, इसको क्यों हो गया. हम लोग सोचते थे बेटर प्लेयर है, जीत गया, वेरी गुड, शेक हैंड. बट अगर मुझे आपको हराना है तो मुझे बेटर होना है. लेकिन अगर किसी ने अनएथिकली जीत लिया तो मैं अनएथिकल बिहेवियर मुझे अट्रैक्ट नहीं करता था कि मैं भी वैसे ही करूं जैसे इन्होंने किया तो मैं वैसे ही बन जाऊं. नहीं, वो मुझे नहीं अट्रैक्ट करता था क्योंकि ये शिक्षा नहीं थी. ये शिक्षा थी कि वह शॉर्ट लिव्ड होगा, उसकी तुमको नकल करने की जरूरत नहीं है. अल्टीमेट विक्ट्री तुम्हारी होगी, तुम जो चाहोगी वही मिलेगा अगर तुम सही रास्ते पर मेहनत के रास्ते पर चलते जाओ. सो इसका मतलब सिखाया गया कि वो गलत है, वह सही है. तुमने ये नहीं कि कोई गलत ने इंस्टेंट रिजल्ट दे दिया तो तुम उससे आकर्षित हो जाओ. नो, उससे आकर्षित होने नहीं, अंडरस्टैंड वो गलत है. सो ये जो रियलाइजेशन, ये ट्रेनिंग जो मिली छोटे होते और ये डायलॉग हुआ अपने बड़ों के साथ, टीचर्स के साथ, अपने घर में, वह डायलॉग एक पर्सनल ट्रेनिंग बन गया
पर्सनल हैबिट बन गया जो जिंदगी भर फिर वो डायलॉग चलता रहा वो, चाहे वो गणतंत्र दिवस की परेड हो, आपको हक छीना जाने लगा आपका, वो अभी तक वो अभी तक है कि मुझे दूसरे का राइट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे ही राइट लेंगे तो फिर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको बताऊंगी कि आपने मेरा राइट लिया, और जो मेरा बनता है मैं वो जरूर करूंगी, जिस हद तक जा सकती हूँ राइटली जाऊंगी। इसी मैं गीता की फिलॉसफी में बिलीव करती हूँ, कर्म मेरा कर्तव्य है, रिजल्ट पर मेरा राइट नहीं है। आई एम फुली एक्सेप्टेबल कि मैं कर्तव्य आपको जगाऊंगी, अपना भी कर्तव्य करूंगी, उसके बाद वो मिले या ना मिले मैं उसकी चिंता नहीं करती। मैं आपसे अपने आप से ये पूछती हूँ, जो मेरा फर्ज बनता था मैंने क्या वो उसके लिए किया? अगर मेरी आत्मा कहती किया तो मैं पास, अगर मैं समझती हूँ नहीं पूरा नहीं किया तो मैं उसको पूरा करती हूँ। लेकिन बढ़िया बात यह होती है कि आम तौर पर वो रिजल्ट मिलता है, लेकिन नहीं मिले तो मैं दुखी नहीं होती, क्योंकि मैं खुश होती हूँ मैंने अपना कर्तव्य किया। दैट इज द मेन पॉइंट। अच्छा एक बात बताएं, जब आप यूथ थे, आजकल के यूथ भी हैं हमारे सामने बैठे, तो बड़ा फैशन में है या रिजोल्यूशंस लेते हैं यूथ, आपने भी लिए होंगे जरूर, हाँ, कि न्यू ईयर पे ये रिजोल्यूशन लिया, तो बस ये जानना चाहते हैं कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो क्या रेजोल्यूशंस होते थे, किस तरह के होते थे? मैं रेजोल्यूशन हर साल लेती थी, okay. और मेरा रेजोल्यूशन एक्चुअली मंथ टू मंथ भी होता था, वीक टू वीक भी होता था, थ्री मंथ्स का भी होता था, ईयर का भी होता था, बट आई यूज टू हैव अ रेजोल्यूशन एंड ईच डे मुझे उस रेजोल्यूशन की तरफ ले जाता था। मैं अपना ऑडिट भी करती थी, okay. पढ़ने में, खेलने में, कैरेक्टर बिल्डिंग में, एटीट्यूड्स में, माँ बाप की तरफ और अपने अपने आप को डेवलप करने में, फ्रेंडशिप्स में मैं रेजोल्यूशंस लेती थी, पर्सनल प्रोफेशनल, और मैं रेजोल्यूशंस को चलने की कोशिश करती थी और ऑडिट जरूर करती थी कि क्या मैं उस पर चल रही हूँ, और अपने आप को दंडित भी करती थी जब मैं उस रेजोल्यूशन से कम हो जाती। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक टूर्नामेंट जीतनी है और उसके लिए मुझे इतनी फिटनेस चाहिए या इतनी मेहनत चाहिए, तो मैं अपने आप को ऑडिट करती थी, क्या मैंने उतने घंटे अपनी मेहनत को दिया, क्या मैंने कंसंट्रेशन दी, क्या मैं उस कंसंट्रेशन से तो नहीं हट गई। तो अगर हटती थी मैं अपनी डायरी लिखती होती थी, तो उस डायरी में अपने आप को बोलती थी हेलो फ्रेंड, मैं पेज पे लिखती थी हेलो फ्रेंड, आई हैव डन दिस टुडे, आई डिड दिस टुडे, दिस इज वेयर आई एम, अब मैं ये कर रही हूँ, मैं क्या ठीक कर रही हूँ। सो मेरे लिए वो डायरी मेरा आईना होती थी, सो मेरी डायरी मेरी फ्रेंड होती थी, आई शुड राइट हेलो फ्रेंड, तो अपनी फ्रेंडशिप। सो मुझे जरूरी नहीं कि मैं आपको बनाऊं और सारी बात सुनाऊं और आपसे सलाह लूं, मैं अपने आप को खुद सलाह देती थी और सलाह देके फिर निर्णय पर आती थी, फिर वो निर्णय पर चलती थी। सो मैं अपनी डायरी खुद ऑडिट करती थी, और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप डायरी लिख के फॉर एंड अगेंस्ट लिखते जाओगे और दो बन जाओगे, आप अपना सवाल खुद जवाब दे सकते हो। सो दैट मीन्स आपने अपने आप को हमेशा के लिए एक लाइफ ट्रेनिंग दे दी, दूसरों पर डिपेंडेंस कम कर दी, That means, दूसरों बजाओ, खुशी बांटो, परेशानी मत बांटो, परेशानी खुद रिजॉल्व करो। बिल्कुल, क्योंकि आदमी जब सोचता है तो कम से कम अपने लिए तो ईमानदार होता है, अपने प्रति ईमानदार होता है, वो दुनिया के सामने भले ही झूठ बोलता है, कुछ नकाब हो रहा है, लेकिन अपने आप से तो हम सच बोल सकते हैं, हम इतने कायर नहीं है कि अपने आप से सच ना बोल पाए। जो आप अपने आप से कर रहे हैं तो फिर आप अपनी सच्चाई से नहीं भाग सकते, अपनी सच्चाई से नहीं भाग सकते, और ऐसा ही अगर दोस्त से करेंगे शायद कुछ चीज नहीं बताएंगे, कुछ चीज छोड़ देंगे, यहाँ दोस्त आपको जब देगा तो अपने एक्सपीरियंस से देगा, तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपने अपने टीचर निर्णायक खुद बनो और अपने आप से सच बोलो, अपने आप को एनालाइज करते रहें और ऑडिट करते रहें, और वो हैबिट अब मेरे पास मिनट टू मिनट रहती है, मिनट टू मिनट रहती है, वो ये नहीं कि अब मैं वेट करूं सोने से पहले, और वो मिनट टू मिनट मेरे जीवन में ऑडिट बन चुका है, ये मेरा रास्ता ठीक है, ये मेरा निर्णय ठीक है, अब मैं, सो यू आर ऑल द टाइम ड्राइविंग एंड स्टीयरिंग, बट बड़ा नेचुरल हो जाता है, एक प्रेशर नहीं रहता है, एक हैबिट बन जाती है। मैम एक सेंटेंस है जो हम लोग शायद कभी कभी बोला होगा अपने आप से या किसी के सामने पब्लिकली, आपने बहुत बार बोला होगा, बहुत बार, आई एम श्योर अबाउट इट, और वो है कि Yes, I have done it. तो पहली बार आपने कब बोला, या आपकी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई उपलब्धि जब आपने बोला Yes, I have done it, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो? I have done it so many times. I know. We all know that. I've done it and done it and done it. And I think अगर मेरी मेमोरी जाती है तो it has been doing it. It goes back from school days.
रिपोर्ट कार्ड, रोल ऑफ ऑनर, छोटा सा स्टार, बेस्ट एनसीसी कैडेट, मैक्सिमम, आई थिंक इट वाज डूइंग इट एंड डूइंग इट. हाँ, एक बार ही नहीं डूइंग हुआ था. अच्छा. जब मैं कॉलेज में गई दसवीं जमात के बाद, तब वो हमारी बारहवीं ग्यारहवीं कॉलेज होती थी. इट वाज, नाउ इट्स 10+2, देन इट वाज कॉलेज. तो फ्रेशर्स डिबेट, नोटिस बोर्ड लगा फ्रेशर्स डिबेट एंड आई वाज अ फ्रेशर. तो फ्रेशर्स डिबेट मैंने कॉम्पिटिशन्स में, तब डेक्लेमेशन में पार्ट नहीं लिया हुआ था, तो फ्रेशर्स डिबेट मैंने वो पढ़ा, मैंने अपना नाम दे दिया. तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं, पागल है, फ्रेशर्स डिबेट अगर भूल गई तो? तो मैं क्या भूल गई तो क्या हो गया, भूल गई. तो मुझे याद है मैंने कौन से कपड़े भी पहने थे, पिंकिश सूट पहना हुआ था, और मुझे फ्रेशर्स डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट लिया. इमेजिन, वो भूला नहीं मुझे, 14-year-old गर्ल, पहली डिबेट, पहला कॉम्पिटिशन, और मैंने 2 मिनट बोला, उसके बाद भूल गई. तो भूल गई, और मैं भी हंसी, क्राउड भी हंसा. तो हंस के हम वापस आ गए. अच्छा. मैं रोई रोई नहीं. तो मम्मी डैडी ने क्या हुआ, मैंने कहा मैं भूल गई, लेकिन अगली बारी नहीं भूलूंगी. और अगली बारी फ्रेशर थोड़ी हुई, फिर तो डिबेट में हम आने लग गए. डिबेट एक कंपटीशन हुआ, दूसरे में फिर मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करने लगी. तो मेरा मतलब है कि ये भी डूइंग था. सी, मैंने हिम्मत की और मैं डूइंग में गई. सो इट वॉज एवरी डे डूइंग. फिर मैं प्लेज में पार्ट नहीं कर लेती थी, तो प्ले में भी मैं चली गई. प्ले में मुझे उन्होंने बड़ा सुंदर सी मुझे वो एक प्ले था शेक्सपियर प्ले में, दे मेड मी इनटू ब्यूटीफुल वूमन. मेरा गंदा सा मुंह था, चूहा सा मुंह था मेरा, तो यूजलेस सा. तो उन्होंने मुझे बड़ा सुंदर बनाने की कोशिश की, और आई डिड इट. क्योंकि मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं ड्रामाज में भी प्ले कर, मैं स्पोर्ट्स ओरिएंटेड थी. लेकिन ड्रामा में पार्टिसिपेट कर लूंगी, डायलॉग बोलूंगी, सब मुझे ऐसे देखेंगे. इट वॉज अ न्यू थिंग फॉर मी, बट अगेन आई डेयर्ड टू डू इट, कि मुझे ये भी करना है. जो चीज़ मुझे डिफिकल्ट लगती थी, मेरी हैबिट थी कि मैं उसको पहले करती थी. लेट मी ट्राई इट आउट फर्स्ट, टेस्टिंग माई सेल्फ रेगुलरली टू से डू इट. आई डिड इट. सो इट वॉज लाइक डूइंग एंड डूइंग इट. कभी एंजॉय किया होगा घर वालों ने? अच्छा, कि मम्मी पापा ने भी बोला होगा, लो किरण भूल गई. प्यारे दोस्तों, जिस तरह से बातचीत चल रही है डॉक्टर किरण बेदी जी के साथ, बातचीत के सिलसिले को रोकने का मन तो नहीं चाह रहा, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा. तो यादें बचपन की के अगले एपिसोड में हम इस बातचीत को जारी रखेंगे डॉक्टर किरण बेदी जी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.